विनेश फोगाट हुई अयोग्य घोषित, तो क्या बोले पुष्कर सिंह धामी। नमस्कार। 7 अगस्त 2024 का दिन शायद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता था, शायद देश के खाते में एक और मेडल आ सकता था, शायद देशवासियों को जश्न मनाने का मौका मिल सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। शानदार, जानदार और जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली विनेश फाइनल से पहले अयोग्य घोषित कर दी गई। क्यों? क्योंकि उनका वजन महज 100 ग्राम ज्यादा था। आज से पहले शायद आपको कभी महसूस नहीं हुआ होगा कि ये 100-200 ग्राम इतने मायने भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए विनेश की सारी मेहनत उस वक्त पानी पानी हो गई जब वो अयोग्य घोषित हो गई। जाहिर है पूरा देश विनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद दुखी है, गम में डूबा है। वो अलग बात है कि इस फैसले के बाद देशवासी दो तबकों में बट गए हैं। एक तबका वो है जो कह रहा है कि बुरा हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था और हम विनेश के साथ हैं। दूसरा तबका कह रहा है कि भाई इसमें भी मोदी जी का हाथ है। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके थैंक यू। खैर, राजनीतिक चर्चा से इतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश का हौसला बढ़ाते हुए ट्वीट किया और लिखा, विनेश यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन, टुडेज सेटबैक हर्ट्स, आई विश वर्ड्स कुड एक्सप्रेस द सेंस ऑफ डिस्पेयर दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग, एट द सेम टाइम आई नो दैट यू एपिटोमाइज रीसाइलेंस, इट हैज ऑलवेज बीन योर नेचर टू टेक चैलेंजेस हेड ऑन, कम बैक स्ट्रॉन्गर, We are all rooting for you। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी विनेश का हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विनेश आपकी विजय यात्रा स्वर्णिम है, पेरिस ओलंपिक 2024 में आपके शानदार प्रदर्शन से प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित है, आज की घटना हम सभी के लिए दुखद है, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पुनः नई मजबूती और ऊर्जा के साथ भारत की यश पताका संपूर्ण विश्व में फहराएंगी, हमें आप पर गर्व। आपको बता दें सीएम धामी अक्सर खिलाड़ियों का हौसला इसी तरीके से बढ़ाते हुए नजर आते हैं और खासकर अगर बात हो उत्तराखंड से जुड़े हुए खिलाड़ियों की तो फिर अपनी तरफ से कोई भी ऐलान करने से भी पुष्कर सिंह धामी पीछे नहीं हटते। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और जिस तरह से सीएम धामी ने विनेश का हौसला बढ़ाया उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।